SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड तभी किया जाता है फॉरगेट जब आप भूल चुके होंगे, क्योंकि भूला हुआ पासवर्ड आप निकाल नहीं सकते, आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिसेट करने के लिए या फॉरगेट करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़र नेम पता होनी चाहिए। यूज़र नेम क्या होता है इंटरनेट बैंकिंग का। इसके बाद आपके पास अकाउंट नंबर डिटेल्स होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आपको पासबुक में डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पास होनी चाहिए, तब आप जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है एटीएम कार्ड की डिटेल्स भी होनी चाहिए, तब आप यहां पे जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर ये सारे डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रिसेट या फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे onlinesbi.com। ये सर्च करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल बैंकिंग है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इस पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे देखिए, आपको सामने में फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम इंटर करना है, जो आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपको पता नहीं है कि क्या यूज़र नेम होता है, तो उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद अकाउंट नंबर आपके पासबुक में मिल जाएंगे इजिली से, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपके बैंक से जुड़ा हुआ है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पासबुक में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को इस बॉक्स में आपको इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। OTP देने के बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपको तीन तरह से आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड। एक है ATM कार्ड की डिटेल से, एक है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड की मदद से, एक है रिसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। तो आप ब्रांच जाके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान कौन सा होगा, घर बैठे ऑनलाइन। तो ATM कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है, जो इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड है, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे। हालांकि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड नहीं होगा, इसलिए अगर आपके पास ATM कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड है तो यहाँ पर आप उसे यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ATM कार्ड का। तो यहाँ पे हम यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। आपका कार्ड का लास्ट का चार अंक दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ पे जो आपका ATM कार्ड का मंथ एक्सपायरी है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद जो ईयर आपका एक्सपायरी है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, जो ATM कार्ड में नाम लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद ATM का जो पिन है चार अंक का, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद ये जो आप पास यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, योर डेबिट कार्ड वैलिड इज सक्सेस। इसके बाद आपके सामने में नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगा कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड, जो आप ऊपर में पासवर्ड रखे हैं वही आपको नीचे वाले बॉक्स में रखना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बता दूँ, पासवर्ड जो है मिनिमम 8 करेक्टर का यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 8 करेक्टर से 20 करेक्टर के बीच में होना चाहिए।
और कुछ स्मॉल में होना चाहिए, कुछ कैपिटल में होना चाहिए, कुछ डिजिट होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रिसेट सक्सेसफुली, यानी कि जो आपने नया बनाया है, रिसेट किया या फॉरगेट किया है, आपका सफलतापूर्वक बन गया है। आप जो है इंटरनेट बैंकिंग या योनो SBI या योनो लाइट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।